हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटाइजेशन के बारे में। देखिए, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पढ़ने से पहले अगर हम लोग मैग्नेटाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाते हैं, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। मान लीजिए आप लोगों के पास एक नॉन मैग्नेट है, यानी कि वो मैग्नेट नहीं है, वो सब्सटेंस है ना। उसको मैग्नेट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, है ना। और इसके थोड़ा अंदर जाएंगे, जो कि फिजिकल प्रोसेस में जाएंगे, वो देखिए। अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है तो इसके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स थे, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है, वो क्या होंगे, वो एक डायरेक्शन में अलाइन ना होके मतलब हर डायरेक्शन में बिखरा हुआ होगा, है ना। यानी कि ये इसका ये डायपोल मोमेंट जो है वो इस तरह पॉइंट कर रहा है ना, और इसका इस तरह पॉइंट कर रहा है ना। तो ये परफेक्टली अलाइन एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा ज़ीरो, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे तो ये परफेक्टली एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, है ना। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है, वी कैन से द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, है ना। आई होप आप लोग बात को समझ गए, है ना। और इस मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इंटेंसिटी कितना है, यानी कि किस हद तक ये मैग्नेटाइज कर पाया इस सब्सटेंस को, उसको जब हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन फैक्टर। अगर नोट्स के तरह मैं आप लोग को देखूं तो मैग्नेटाइजेशन फैक्टर को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हम लोगों ने देखा था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के एक यूनिट पर मान लीजिए कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तब हम लोग के पास मैग्नेटाइजेशन वेक्टर निकल के आ जाते हैं, है ना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = dm/dv। यहाँ पर कैपिटल M क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, और स्मॉल m जो है dm वो कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, और dm मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट का स्मॉल एलिमेंट, है ना, कि बहुत छोटा एलिमेंट। और वॉल्यूम को भी हम लोग क्या मान रहे हैं, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मान रहे हैं, है ना। और इसका SI यूनिट क्या होगा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का, एम्पियर पर मीटर, यानी कि A/m, है ना। तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स और जान लेते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो एक वेक्टर फील्ड है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। किसका डेंसिटी, परमानेंट और इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक मटेरियल का डेंसिटी रिप्रेजेंट करे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास के जगह पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा गया है, जो डायपोल मोमेंट आपके पहले से हो सकते हैं परमानेंट, या उसे इंड्यूस कराया जा सकता है, है ना। जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या डिस्क्राइब कर सकता है, वो ये भी डिस्क्राइब कर सकता है कि जो मटेरियल है मैग्नेटिक फील्ड आने पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे अफेक्टेड होंगे, है ना, वो उसको कैसे रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो वो फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आने पर एक सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटाइजेशन यही कहता है, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टर है उसे आप लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप लोग कह सकते हो, और उसे I से डिनोट किया जाता है, है ना। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।